अल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूं ताहिर खान, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, और क्योंकि जो दिन थे ना काफ़ी बिजी थे, इसकी वजह से मुझे वाई टी वी छोड़ना पड़ा और मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो काफ़ी बिजी डे चल रहे थे। जो लास्ट थी मेरे ख्याल मेरी वीडियो जो थी वो मैंने रमज़ान में अपलोड की थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो अभी से दोबारा काम स्टार्ट कर दिया है, इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे और आपको पसंद आएंगे। कोशिश तो होती है वे अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाएं, और आजकल वैसे भी कुर्बानी का सीज़न शुरू हो गया है, तो मैंने कहा आज हमारे ना बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उनके कैटल फार्म पर आया हुआ था, तो उनको इतना शौक़ है ना कुर्बानी का, और ये अब से नहीं काफ़ी अरसे से आया और मैं उनको देख रहा हूँ, वो खूबसूरत बछड़े जो हैं वो लेके आते हैं और खूबसूरत जानवर अपने कुर्बानी के लिए लेके आते हैं। तो इनके जो कलेक्शन है वो बहुत प्यारी होती है और बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करते हैं जानवरों की, और आला से आला नस्ल की जो है ना वो कुर्बानी के जानवर लेके आते हैं, और जितनी खिदमत ये करते हैं और इनके जो वर्कर हैं वो करते हैं, मैंने आज तक जानवरों के लिए, लोग करते होंगे खिदमत कुर्बानी के जानवरों की, लेकिन जो ये करते हैं ना, जितनी केयर ये करते हैं और जितना ख्याल ये रखते हैं, मैं तो इनको देखता रहता हूँ, अक्सर मेरे चक्कर लगता रहता है तो मैं देखता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो आज आए इनके कैटल फार्म पर, तो आज आपको इनके जानवर दिखाते हैं भाई, ये मतलब इतने खूबसूरत जो जानवर रखे हुए हैं, तो आखिर ये इनको क्या क्या खिलाते हैं और इनकी क्या केयर करते हैं, और इनको जो शौक़ है वो तो बहुत पहले से है, क्योंकि जो बड़े जानवर वो भी और बकरे भी, वो माशाल्लाह उनके भी मैं इंशाल्लाह एक व्लॉग बनाऊंगा, वो भी आपको दिखाएंगे कि उनकी कलेक्शन कैसी है बकरों की, वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारे होते हैं, तो आज आपको दिखाते हैं। ये भी जानवर रखे हुए हैं, ये भी माशाल्लाह जो है ना 3-4 साल बाद ही तैयार होंगे, क्योंकि ये छोटे जानवर लेके आते हैं और इनकी जो केयर है ना वो करते हैं, तो माशाल्लाह इनका जो कैटल फार्म है वो बहुत ही प्यारा है और बहुत केयर करते हैं। देखो ना पंखे वगैरह और स्टैंड का मुकम्मल इंतज़ाम होता है।
ये जी सेटअप बनाया हुआ है सर्दियों मतलब जानवरों के लिए, ये सेटअप सारा देख रहे हैं ना, ये समझो एसी की तरह काम करता है। ये जो प्लांट लगा हुआ है ना, ये सारा कूलिंग प्लांट कैसे कहते हैं, ये लगा हुआ है, ये सारा एसी की तरह काम करता है। ये सिर्फ जानवरों के लिए इतना ख़र्चा किया हुआ ताकि जानवरों को गर्मी ना लगे, और सर्दियों में इनके लिए बेहतरीन इंतज़ाम होता है। ये सब सारा शौक़ की बात होती है, जितना इंसान को शौक़ होता है बंदा उतना ही ख़र्चा करता है। हमारी तो दुआ है अल्लाह करे इनका हमेशा इसी तरह शाद आबाद रहे, और बहुत अच्छा लगता है जब ये अपनी जानवरों की केयर करते हैं बहुत ज़्यादा। आज आपको जो जानवर दिखाए हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, उनकी जितनी खिदमत मैं कहूँ ना बहुत कम है। मैंने एक ही अल्फाज बार बार दोहराया कि इनकी बहुत ज़्यादा केयर की गई है जानवरों की। और जो अभी जानवर नए तैयार कर रहे हैं वो भी तकरीबन 3-4 साल के अंदर अंदर वो भी माशाल्लाह सही तैयार हो जाएंगे। मज़ा तो तभी आता है ना कुर्बानी का, जब आप ख़ुद जानवरों की खिदमत करें, उनका खाने पीने का इंतज़ाम करें, उनकी जितनी हो सके केयर करें, कुर्बानी का तो मज़ा वही आता है। लेकिन हर बंदा नहीं कर सकता, और जिनको अल्लाह ने तौफीक दी वो करते हैं। आगे इंशाल्लाह इनका आगे मेला भी लगना है, और वो मेला भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। और बहुत ही ज़बरदस्त मेला लगता है इनका, कैटल फार्म का नुमाइशी मेला होता है जो, वो भी लगता है, और बहुत ज़बरदस्त जानवर इससे जाते हैं, और मैं इंशाल्लाह उनकी भी वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। बाकी इनकी जो दूसरे जानवर लेके आए ना, नायाब जानवर हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, और इम्पोर्ट किए हैं उन्होंने बैस से, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा साथ साथ, क्योंकि अभी मैंने भी अपनी कुर्बानी के लिए जानवर लेने हैं, और मैं भी अभी सर्च शुरू कर दिया भाई, क्योंकि मैं तो बकरे ही करता हूँ, बड़े जानवर तो नहीं करता। हर बंदे की अपनी तौफीक होती, जो करता है अल्लाह बस को कबूल फरमाए, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी इसी तरह सपोर्ट जारी रखिएगा ताकि मैं नई से नई वीडियो लेके आपके पास आऊँ। मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।